So hello and welcome again in the Abhimanyu IAS to all the UPSC aspirants. My name is Pravesh Watts and I welcome you all in the series of concepts in polity, जहाँ मैं हर हफ्ते अलग-अलग topics लेकर आता हूँ. ऐसे topics जिनकी बहुत ज़्यादा importance होती है prelims mains of UPSC exam. So आज मैं लेकर आया हूँ एक अलग सा concept जिसका नाम है what comes under state as per the definition of Article 12 and Article 36 वी हैव टू आर्टिकल्स इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करते हैं कि स्टेट क्या है क्या क्या उसके कॉम्पोनेट्स हैं किन किन चीज़ों से स्टेट मिलकर बनता है सो so, आज हम उसको देखने जा रहे हैं एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव ए इन्फॉर्मेशन टू यू दैट इन द अभिमन्यू आई एस हम लोग सिविल सर्विस 2023 और 24 के लिए टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर प्रलम्स और मेंस दोनों की हम कोचिंग दे रहे हैं इसमें पर्सनल मेंटरशिप भी विल गिव ऑल द फैकल्टी मेंबर्स सो दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू जॉइन दे मे कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर and here specifically as a senior faculty of indian polity and governance i teach indian polity in classroom so those students who want to take the trial of my class and they want to join so i am giving 3 days free trial of my coaching in the classroom teaching so those students who wants to join please you know contact with this number and link is also available on the description box now without wasting time let's see what article 12 says article 12 article 12 लाइज इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट थर्ड हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट से पार्ट थर्ड यह बताता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ भी कहने से पहले आर्टिकल ट्वेल्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने डिफाइन किया कि स्टेट क्या होता है सो लेट सी फर्स्ट अनलेस द कंटेक्सट अदरवाइज रिक्वायर्स यानी जो स्टेट की डेफिनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है दिस इज नॉट रिजिड दिस इज नॉट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना इट इस अ लाइवेबल कॉन्स्टिट्यूशन तो समय समय के हिसाब से हम स्टेट के डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं आई द द पार्लियामेंट और द जुडिशरी राइट दोनों के पास एम्पावर्ड ये दोनों ही फुली एंटाइटल्ड हैं इस डेफिनेशन को ब्रॉड करने के लिए इसके होराइजन को ब्रॉड करने के लिए सो अनलेस द कंटेक्ट अदरवाइज रिक्वायर इफ अदरवाइज रिक्वायर्स दर्कमस्टांसिस कम्स सो स्टेट डेफिनेशन विल बी यू नो सब्जेक्ट टू मॉडिफाई इट कैन बी इंक्रीज इट्स होराइजन कैन भी इंक्रीज So for the meantime, the state includes government, right? Government, like we have the you know, cabinet ministers, we have the council of ministers, then we have the executive government. All are the components of government. So government is first, second is parliament of India, right? Everyone knows what is parliament, third government and legislature of each of the state where the you know MLAs and MLCs sits. सो so, एक तो पार्लियामेंट होता है जहाँ पर हमारे एम होते हैं और एक हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं जहाँ पर हमारे एम और मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं राइट right? दूसरा ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ लाइक पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ दीज आर द लोकल अथॉरिटीज़ ग्रास रूट अथॉरिटीज सो ये भी हमारी स्टेट के डेफिनेशन के एक इंटेग्रल पार्ट हैं उसके बाद स्टैट्यूटरी नॉन स्टेटूटरी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ राइट स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो कि पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई जाती हैं नॉन स्टेट्यूटरी जो कि एग्जैकटिव एक्शन से बनाई जाती हैं एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ विच हैव अ स्पेशल प्रोविजन लाइक आर बी आई इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी राइट सो जिनका काम होता है रेगुलेट करना किसी चीज़ को क्वासी जुडिशल बॉडीज़ नॉन जुडिशियल बॉडीज राइट सो ऑल आर लोकल अथॉरिटीजो दर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेट देन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हम गवर्नमेंट पहले तो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं खाली जो हमारी एग्जेक्यूटिव अथॉरिटीज़ होती हैं बट इन द लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्मेंट इज अ लार्ज राइट इन ब्रॉड परस्पेक्टिव वी आर डीलिंग विद गवर्नमेंट की गवर्मेंट का मतलब यह है कि सारी चीजों का सारी चीज़ों को संभाने वाली जो संस्था उसको गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट इज इन द पार्ट ऑफ स्टेट डेफिनेशन सो आर्टिकल ट्वेल्व पार्ट थर्ड जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए है वो स्टेट की डेफिनेशन को इस तरीके से बताता है नाउ सी आर्टिकल थर्टी सिक्स आर्टिकल थर्टी सिक्स जो पार्ट फोर में है दैट डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच आर नेसेसरी टू बिकम द पार्ट ऑफ पॉलिसीज एंड लॉ फॉर्मुलेशन बाय द गवर्नमेंट वैन दे प्रोवाइड गवर्नेंस टू द पीपल तो जब भी लोगों को गवर्नेंस दी जाएगी ये स्टेट का दायित्व होगा कि इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से कुछ ना कुछ उस कानून में उस लॉ में उस पॉलिसी में इंगित हो या फिर डाला जाए ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि मूलभूत हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बिना एक अच्छी वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं इस्टेब्लिश होती तो ऐसे ऐसी प्रिंसिपल्स को आपको लॉ में डालना होगा और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा राइट सो so यहाँ पर भी आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है देखते हैं क्या कहते हैं डेफिनेशन इन दिस पार्ट विच इज़ फोर unless the context otherwise the state has same meaning as in part third. Here also we can say that constitution is shown as livable, not rigid because here also we can modify the definition of state and the definition of state is for the meantime as it is as it is mentioned in the part third. जो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के टाइम पर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वही पार्ट फोर में है बट ये भी कहा गया है कि जो पार्ट थर्ड में है और पार्ट फोर में दोनों ही चेंज की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय द जुडिशल इंस्टीट्यूशन राइट टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन लाइवेबल एंड टू मेक इट्स होराइजन ब्रॉडर देन गवर्नमेंट देन पार्लियामेंट दे आर आल्सो द स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट दे आर आल्सो स्टेट लोकल अथॉरिटीज़ लाइक पंचायत म्यूनिसपैलिटीज़ दे आर आल्सो यू नो द पार्ट ऑफ स्टेट स्टेट्यूटरी नॉन स्टेटूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल ट्वेल्व है उसकी डेफिनेशन है वो सारी ही चीज़ें आर्टिकल थर्टी सिक्स में हैं एंड विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी चीज़ें हैं इवन दो एनी प्राइवेट कंपनी any private company which is having a contract with the government for even a temporary period, or any private institution which is taking any sort of aid from the government, they are also under the category of state under article 12 and under article 36. about whether the judiciary comes under the definition of state or it is outside the purview of state definition under article 12 and under article 36. so we have supreme court, we have high courts, and we have subordinate courts. Right? We have subordinate courts. So all these are the judicial institutions, right? The judiciary, we call them as judiciary, right? So their judges, their judgments is not the part of state definition. right? under article 12 and under article 36. article bara or chattis dono mehi, the state ki definition, hai, that do not covers judiciary, their judges, their judgments. but the important note to be understand is their admin matter. right? their administration matter, their financial matters.

and we'll meet on the next day with the next topic. Thank you so much.